हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। तो आज हम आए हैं पंजाब के शहर लुधियाना में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पंजाब की जो इस टाइम पे बड़ी पीक पे जो फसल है और जिसका नाम है जीरी, अब राइस प्लांट भी इसको बोलते हैं। तो इसमें इस टाइम पे जैसे कि अभी जो जीरी है वो बिल्कुल पकने वाली है, बिल्कुल अपने पीक पे है वो, और नेक्स्ट जो मंथ है अक्टूबर उससे इसका स्टार्ट हो जाएगी, इसकी सीजन स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स इसकी कटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस टाइम पर इसकी जो देखभाल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पर इसमें जो अंदर दाना है, जो राइस है वो बन रहे हैं, और इसी टाइम पे अगर इसको कोई बीमारी लग जाती है तो जो फसल है वो उसके ख़राब होने के चांसेस हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज हम दो बीमारियों के बारे में बात करेंगे जो इस टाइम पे इस पर बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो फर्स्ट है इसकी जड़ों में उल्ली लगना, एंड सेकेंड है जो इसके पत्ते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये जो दो बातें हैं इनके बारे में आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन सी जो इसमें मेडिसन्स हैं, कौन कौन से केमिकल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। और यस, आज की वीडियो का जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट होगा वो होगा हमारा एक स्प्रे पंप। तो आपको पता ही है कि जो पहले ट्रेडिशनल वे था स्प्रे वगैरह करने का, वो एक बड़ी सारी बॉक्स होता था, उसको यूज़ करके वो हाथों से स्प्रे करते थे जिसमें महीनों लग जाते थे। बट आजकल जो एक न्यू टेक्नोलॉजी है वो आई है और एक पंप है, वो आगे आपको वीडियो में चल के बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कर सकते हैं। तो सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाली है जो मशीन जिससे आप 100-200 बीघे में बड़े आराम से एक ही दिन में है जो अच्छे से स्प्रे कर सकते हो अपनी जीरी या अपनी कनक में। तो इसकी मैं फंक्शनैलिटी वगैरह बताती हूँ कि ये कैसे फंक्शन करती है और कैसे नहीं करती है। आप देख सकते हैं ये लास्ट में जो पाइप है ये बहुत बड़ा है, आप इसको दूर दूर तक जहाँ पर भी लेकर जाके इसे स्प्रे कर सकते हो। और ये सामने जो आप टैंक देख रहे हो ग्रीन कलर का, इसमें है जो पानी भरा जाता है, और उसमें जिस भी चीज़ की आपने स्प्रे करनी है उसमें वो वाली दवाइयाँ, मेडिसन्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स जो भी आपने उसमें यूज़ करना है वो इसमें डाले जाते हैं। वो ऊपर ढक्कन है, मैं आपको बाकी खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, इससे है जो ये सारी की सारी मशीन है जो फंक्शन करती है। ये है जो स्प्रे पंप है, इसको ऐसे खोल लिया जाता है, ये है इसमें है जो पानी छोड़ा जाता है ऐसे इसको करके। ये देखिए एक ये वाला भी है, ऐसे है। तो अगर इसको आप ऐसे ओपन कर लोगे तो उसमें जो पाइप मैंने आपको लास्ट में दिखाया, पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, स्प्रे आनी स्टार्ट हो जाएगी। और अब ये बंद है, तो इसको है जो ऐसे ट्रैक्टर के साथ ऐसे इसको जोड़ा जाता है, किसी भी आप ट्रैक्टर के साथ इसको जोड़ सकते हैं। तो इससे ये है जो मशीन है जो ये फंक्शन करती है। आओ मैं आपको इसको खोल कर दिखाती हूँ। ये देखिए स्टैंड होता है इसके ऊपर चढ़ने के लिए, तो ये इसका ढक्कन है। तो इसको खोलते हैं, काफ़ी तंग है। तो ये देखिए ये है, ये इसको ऐसे हमने खोल लिया। तो देखिए अभी तो ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हो। इसमें आप पानी वगैरह भर सकते हो। ये देखिए ये इसमें पाइप लगा है, ये पाइप है वो देखिए, इसका कॉर्नर है उससे पानी स्टार्ट होता है, और ऐसे ये पाइप ऐसे देखो ये जा रहा है और ये ऐसे बाहर निकल जाता है, और ये पाइप यहाँ पे है, और ये वाला पाइप है जो एंड में जो पाइप लगा है उसके साथ जोड़ा जाता है। और इसको अगर हम ऑन करते हैं तो पानी आना स्टार्ट हो जाता है, और अगर इसको बंद करते हैं तो पानी आना बंद हो जाता है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसके बीच में क्या डालना है, कितनी मात्रा में आपको क्या डालना है और किस चीज़ के लिए डालना है। तो चलिए अब बारी आ गई है अपने टैंक को भरने की। तो देखिए इसमें हमने ऑलरेडी पानी डाला जा चुका है, और अब इसमें हम जो इसके केमिकल्स हैं वो ला रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पत्ते ख़राब हो जाते हैं उनको जो सुंडी वगैरह लग जाती है उनके लिए है, और जो जड़ों को उल्ली लग जाती है उनके लिए है। जो भी तो ये जो भी हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं इनके सबका नाम और जो भी क्वांटिटी में हम इसको डाल रहे हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और आगे चल के मैं उनके नाम भी बताने जा रही हूँ आपको, बॉक्सेस वगैरह भी दिखाऊंगी। तो ये जो टैंक है इसकी 1000 लीटर की जो क्वांटिटी इसमें पानी की हम डाल सकते हैं, और बाकी आप देख ही सकते हैं ये सारी जो मेडिसन्स हैं ये हमने इसमें डाली हैं, 2-4 मेडिसन्स हैं, 30%, 40% और 30% इसमें डाली है। एक क्रिस्टल टॉप है, एम स्टार है, और एक छोटी सी है जो वेपन है जो उसका नाम है वो, तो ये डाली हैं हमने।
तो जो वेपन है वो सबसे कम मात्रा में डाली गई है वो 30% डाली गई है, जो क्रिस्टोट्रॉप है वो 40% डाली गई है, और जो तारा 30 है वो है जो वो ज़्यादा डाली है वो 40% डाली गई है। तो इसमें है जो आप ग्लू भी डाल सकते हो थोड़ी सी 5% जो आपका ये जो स्प्रे है उनमें जम जाए, और अगर जैसे कई बार बारिश वगैरह आ जाती है तो आपकी स्प्रे है जो वो पानी में ना बह जाए, वो अच्छे से काम करे। तो चलिए अब हमने पानी भी डाल लिया, केमिकल्स भी डाल लिए, तो चलते हैं हमारे खेतों की ओर इसको डालने के लिए। तो लेट्स गो फ्रेंड्स। तो अब हम आ चुके हैं खेत में। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो स्प्रे है वो इस पाइप की हेल्प से की जाती है, तो ये बहुत बड़ा पाइप है, जैसे कि आज ये है जो 100 बीघे में जो स्प्रे है वो करने जा रहे हैं। तो अभी ये पाइप को जो यहाँ से उतारा जा रहा है, तो ये देखिए अब इस पाइप की हेल्प से कितनी आराम से ये स्प्रे कर पा रहे हैं। जैसे कि मैं तो अभी देख ही पा रही हूँ कि कोई इसमें दिक्कत नहीं लग रही है, पहले जैसे कि होता था कि बंदा थक जाता था, तो इससे बिल्कुल भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आराम से है जो स्प्रे हो रही है। और जो ये टैंक देखो सड़क पर खड़ा है और ये आराम से अंदर है जो आराम से जो स्प्रे है वो की जा। तो अभी गाइस मैं थोड़ा बहुत आपको उनमें जो स्प्रे में हमने मेडिसिन डाली थी उनके बारे में बता रही हूँ। तो ये फर्स्ट है जो क्रिस्टोट्रॉप है, ये फंगस के लिए होती है, जो हमारे पत्तों पे फंगस लग जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जीरी में है जो पत्ते ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से जो हमारा बीज होता है, जो हमारे जीरी के जो राइस होते हैं वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा पैदावार नहीं होती। तो ये यूज़ करना होता है, 30% आप यूज़ कर सकते हो। और ये सेकंड है जो वेपन है, इसके थोड़ा सा इसको डाला जाता है, मीन्स आप लगा सकते हो कि 5-6 ड्रॉप्स बस। नेक्स्ट वन इज़ तारा 30, ये है जो आप जैसे आप देख सकते हो कि लिखा भी हुआ है सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड है ये, जो भी इंसेक्ट्स वगैरह आपके जैसे मैंने आपको बताया कि जड़ों में उल्ली लग जाती है तो वही उसके लिए होता है, इसको भी आप 40 या 30% यूज़ कर सकते हो। एंड दी लास्ट वन इज़ एमस्टार, ये थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ वाली चीज़ होती है, जैसे कि अगर आपकी फसल ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है तो अगर आप इस चीज़ को डालोगे तो जो वो नुकसान कर रहे हैं वो वहीं पर रुक जाएगा, इसको भी आप 10 या 20% यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। तो ये आज हमने आपको ऑल अबाउट जीरी बताया है। अगर आपको ये हमारी जानकारी बताई हुई अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर और कोई आपकी राय हो तो प्लीज़ हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।